नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। आईपीएल में कल सुपर संडे को हमें दो मुकाबले देखने को मिले, जिसमें पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को पिछले साल की उपविजेता रही राजस्थान रॉयल्स ने करारी शिकस्त दी। वहीं केकेआर की तरफ से उभरते सितारे वेंकटेश अय्यर ने कल एक कीर्तिमान हासिल किया है। वो केकेआर के लिए खेलते हुए सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 का आंकड़ा पार किया है। तो आइए वीडियो के जरिए जानते हैं इस मुकाबले से जुड़ी आगे की खबरें। कल का मुकाबला रोमांचक भरा रहा, लेकिन वेंकटेश अय्यर का शतक टीम के कोई काम नहीं आया, क्योंकि बाकी खिलाड़ी कल पूरी तरह से फ्लॉप रहे। हालांकि वेंकटेश का शतक एक यादगार शतकों में से एक होगा, क्योंकि वो ब्रेंडन मैकुलम के बाद दूसरे ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने केकेआर के लिए शतक लगाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैकुलम ने आईपीएल के ओपनिंग मुकाबले में ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर शतक लगाया था। हालांकि वेंकटेश ने 51 गेंदों पर 104 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 9 छक्के लगाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं टीम की बात करें तो वेंकटेश के अलावा किसी भी खिलाड़ी का बल्ला नहीं बोला और 20 ओवर में मात्र 185 रन ही बना सकी टीम। रिंकू सिंह 18 पर 18, शार्दुल ठाकुर 11 पर 13, आंध्र रसेल 11 पर 21 रन की पारी खेली। वहीं मुंबई की तरफ से पीयूष चावला जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल किए। वहीं 186 के लक्ष्य को मुंबई ने आसानी से 17.4 ओवर में चेज कर लिया। वहीं कल रोहित शर्मा पहले से कप्तान बने, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर उतरे। वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट से गुजरात टाइटंस को हरा दिया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में कुल 177 रन बनाए, तो वहीं 178 के लक्ष्य को राजस्थान ने 19.2 ओवर में चेज कर लिया। वहीं राजस्थान अब अंक तालिका में 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंच गया है। वहीं अब राजस्थान और गुजरात का मुकाबला लखनऊ के खिलाफ अलग अलग दिन पर होने वाला है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।